बिग बॉस के दीपक ठाकुर और सोमी खान की म्यूजिक एल्बम केसरिया बालम हो गई है लॉन्च। वेल, इस म्यूजिक एल्बम को लॉन्च किए अब कई घंटे हो चुके हैं और इस पर पब्लिक रिएक्शन क्या सामने आया है, चलिए आपको वो बताते हैं। दरअसल पब्लिक हो रही है सोमी खान से डिसअपॉइंटेड। जी हाँ, पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि दीपक ने अच्छा काम किया है तो सोमी ने हमें डिसअपॉइंट किया है, लेकिन वहीं कुछ लोगों के हिसाब से सोमी इस एल्बम में बहुत अच्छी थी। कुछ लोगों को ये एल्बम ही अच्छी नहीं लगी और उनके हिसाब से दीपक ठाकुर को ही इस एल्बम में गाना चाहिए था, तो कुछ लोगों के हिसाब से सोमी की जगह इस एल्बम में जन्नत जुबैर ईरानी को होना चाहिए था। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिसे ये एल्बम सोमी और दीपक का प्यार बहुत बहुत भाया। जी हाँ, लोगों ने इस एल्बम पर कई तरीके के पॉजिटिव कमेंट्स भी किए। कई लोगों का कहना है कि फ्रेशर होने के नाते सोमी और दीपक ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो किसी को इस एल्बम में सोमी और दीपक का प्यार बहुत प्यारा लगा। वेल, अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे अगर इस एल्बम के बारे में हमसे पूछा जाए तो हम तो बस यही कहेंगे कि लास्ट में जब सोमी खान दीपक ठाकुर को लव यू का मैसेज करती है, वो वाला पार्ट हमें सबसे अच्छा लगा। अब भाई, दीपक ठाकुर का सपना जो पूरा हो गया है, असल जिंदगी में नहीं तो म्यूजिक एल्बम में ही सही। सोमी खान ने दीपक से प्यार का इजहार तो किया। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।